हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आशास लाइफस्टाइल। आज हम शेयर करेंगे बहुत ही अच्छी सी मावे की मिठाई और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में मैंने इसको फटाफट से 15 से 20 मिनट में रेडी कर दिया था। तो आज मैं आपके साथ इसी की रेसिपी शेयर करूंगी। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और जैसे कि आपको पता है कि अभी हमारा फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, काफ़ी सारे फेस्टिवल आने वाले हैं और हमें घर में मिठाइयाँ बनानी होती हैं, तो ये कुछ ऑप्शन मेरे पास है जो कि मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। कुछ इसी तरीके की सिंपल एंड इजी मिठाइयाँ मैं आपके लिए आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये मेरी सबसे पहली मिठाई है फेस्टिवल सीज़न की, दिवाली स्पेशल मिठाई। ये मावा की मिठाई है, मावा से मैंने बनाया है। इसमें सिर्फ ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स लगे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लिया है मैंने। ओनली मावा सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, उसके बाद आपके पास घर पे अवेलेबल होता है सब कुछ। तो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही फटाफट से बन जाएगी। 15 मिनट में कम से कम आप एकदम रेडी कर सकते हैं। और मैंने 200 ग्राम मावा लिया था, उसमें मैंने 12 पीस मिठाई बना ली है। तो चलिए रेसिपी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया था अमूल का मावा 200 ग्राम, ये 200 ग्राम का पैकेट है। तो हम इसको अब अनपैक कर लेते हैं। तो ये हमने अनपैक कर लिया इसे, ये पूरा 200 ग्राम मावा है। तो अब हम इसको ग्रेट कर लेंगे क्योंकि हमें पहले बारीक मावा करना है, बिकॉज जब वो ग्रेट किया हुआ होता है तो वो काफ़ी अच्छे से सब इक्वल पार्ट्स में अच्छे से मेल्ट हो जाता है। अगर हम ऐसे ही डाल देंगे तो कुछ पार्ट्स जल जाएंगे, कुछ पार्ट्स ज़्यादा पक जाएंगे, तो इसलिए हमें ग्रेट करना ज़रूरी है। तो इसकी मदद से हम सारे मावे को ग्रेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने कर लिया है। तो ये पूरा मिला के 200 ग्राम मावा है। अब हम इसको कप से मेज़रमेंट करेंगे, बिकॉज ऐसे करने से गड़बड़ हो जाती है कुछ ना कुछ। तो आपके साथ मैं मेज़रमेंट के साथ ही शेयर करूँगी। तो ये हमने लिया है 1 कप, तो मैं इसको फुल भर लूँगी 1 कप को। तो ये देखिए, ये मैंने फुल भर लिया है, ये 1 कप हो गया है। और अब जो बाकी बचा हुआ मावा है, तो ये 1 कप नहीं लग रहा है, तो मैं 1/2 कप में इसे डालूँगी। तो यहाँ देखिए 1.5 कप मावा बनकर रेडी हो गया, ग्रेट करके हमने किया तो 200 ग्राम 1.5 कप हुआ। और अब ये हम लेंगे 2/3 कप शुगर, बिकॉज 1.5 कप मावा है तो हमको इसका आधा ही डालना है। अगर 1 कप मावा होता तो हम 1/2 कप शुगर डालते, बट यहाँ पे 1.5 कप मावा इसलिए हम 2/3 कप शुगर लेंगे। और थोड़ा सा घी लेंगे 1 टेबल स्पून। और यहाँ पे हमने 2 इलायची ली है, हमने पीसी हुई इलायची नहीं ली है बिकॉज मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई को अब हम गर्म कर लेंगे। और यहाँ पे हम डाल लेंगे घी, जो हमने 1 टेबल स्पून घी लिया था। और अब इस घी को हम मेल्ट होने देंगे थोड़ा सा। तो जब ये घी मेल्ट हो जाए तो आप इसमें ये मावा डाल देंगे, सारा मावा डालना है हमें। 1.5 कप जो मावा हमने लिया है वो पूरा 1.5 कप हम मावा इसी टाइम डाल देंगे। और बस अब हम इसको चलाते जाएंगे। सबसे मेन पार्ट होता है चलाना। तो जो मिठाई हम बनाते हैं उसमें हमें चलाना ज़्यादा होता है, बिकॉज अगर हम इसको चलाएंगे नहीं, हम इसको बीच बीच में चेक नहीं करेंगे, तो नीचे से ये कढ़ाई में लग सकता है, जिससे मिठाई का टेस्ट बहुत ख़राब हो जाएगा। अगर आपको हलवाई स्टाइल मिठाई बनानी है तो आपको इसको कंटिन्यूसली चलाना होगा, बिकॉज नीचे नहीं लगेगी और काफ़ी अच्छे से ये जल्दी से रेडी हो जाएगी। तो हमें इस तरीके से इसे चलाते रहना है मैश करते हुए। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से इसे चला रही हूँ। इसको फोल्ड करना है और फिर इसको मैश करना है, बस इसी तरीके से हमें चलाते जाना है। ये देखिए, ये काफी सॉफ्ट हो गया है मावा, अभी आप देख सकते हैं। तो हमें अभी मावा सॉफ्ट नहीं चाहिए, हमें इसका थोड़ा सा कलर चेंज करना है, तब तक हमें पकाना है। और ये देखिए, ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया, बट अभी भी हमें इसे पकाते जाना है, बिकॉज हमें इसका लाइट गोल्डन ब्राउन चाहिए, जो लाइट ब्राउन होता है वो टेक्सचर चाहिए और वो कलर चाहिए। और टेक्सचर हमें इसका वैसा चाहिए जैसे हम एक डो रेडी करते हैं, बिल्कुल वैसा। मतलब ये जब मावा कढ़ाई बिल्कुल छोड़ दे, मतलब हमारा मावा मिठाई के लिए, पेड़ा के लिए रेडी है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल मेल्ट है अभी, तो अभी हमें इसे चलाते जाना है। कम से कम मैंने इसको 10 मिनट्स के लिए चलाया था और आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो रहा है धीरे धीरे, लाइट ब्राउन आ गया है, ये वाइट था पहले और अब आप देख सकते हैं ये काफ़ी चेंज हो गया है। अब ये
काफ़ी अच्छा कलर आ गया है। हमें वैसे इतना ही चाहिए, बट हम इसको थोड़ा मैश करेंगे, थोड़ा चिकना करेंगे, जैसे हमें पेड़ा के लिए डो टाइप चाहिए वैसा डो वाला टेक्सचर हमें बनाना है। तो इसलिए हमने गैस को लो फ्लेम कर दिया है और इसको हम चलाते जाएंगे। तो अब ये हो चुका है ऑलमोस्ट, देख लीजिए डो की तरह। तो अब हम गैस को ऑफ़ कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। जब तक वो मिक्सचर ठंडा हो रहा है तो हम जो दो इलायची हमने ली थी हम उसको कूट लेंगे, बिकॉज हमें इसका पाउडर नहीं डालना है, हमें इसे दरदरा थोड़ा सा डालना है, तो इसलिए हम कूटेंगे। बिकॉज मोटा मोटा मावा के पेड़े में जब मुँह में आता है तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो इसलिए आपको इसको थोड़ा दरदरा कूटना है, पाउडर नहीं डालना है। तो इस तरीके से हमने कूट लिया है, ये देखिए ये काफ़ी अच्छा दरदरा फॉर्म में आ चुका है, मतलब छोटे छोटे टुकड़े आ गए हैं जो अच्छे लगेंगे पेड़े में। तो बस अब हम इसको पेड़े में इसको डाल देंगे, और ये अच्छे से हो चुका था, कूट गया था, बस इसको मैं थोड़ा सा ऐसे मसल दूँगी तो ये अच्छा सा वैसा फॉर्म में आ जाएगा जैसा हमें चाहिए। तो ये देखिए अब ये हो चुका है ठंडा, तो हमने इसमें डाल दिया है इलायची, और अभी हम इसमें शुगर भी डालेंगे, बिकॉज़ ठंडे होने के बाद ही हमें इसमें शुगर डालना है, क्योंकि हमें थोड़ा हलवाई स्टाइल पेड़ा बनाना है तो थोड़ा ठंडा होने के बाद ही शुगर। ऐसे तो आप फ्लेम में जब ये गर्म हो रहा था तभी भी डालते, बट उसका वो मज़ा नहीं होता जो आप अब पेड़े में ठंडा होने के बाद शुगर डालेंगे ना, उसमें टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, बिल्कुल हलवाई स्टाइल मथुरा पेड़ा जो बोलते हैं ना, बिल्कुल वो टेस्ट आएगा। तो ये अब हम इसको शुगर डाल देते हैं, ठंडा हो गया है ऑलमोस्ट ये, तो जो हमने 2/3 कप शुगर लिया था वो हम डाल देंगे यहाँ पे। तो ये हमने डाल लिया है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे लम्स वगैरह हटा के। तो हमने शुगर अच्छे से मिक्स कर लिया आप देख सकते हैं, बट इसको थोड़ा और अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो घी है जो मावा है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और पेड़ा वाला टेक्सचर आ जाए। तो ये देखिए ये काफ़ी अच्छे से कंटिन्यूसली आप मिक्स करेंगे तो शुगर मेल्ट होगी और कुछ इस तरीके का टेक्सचर ये बनकर आ जाएगा। और बस फिर इसको थोड़ा और ठंडा कर देंगे आप, या चाहे आप इसको 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख दें तो बस ये पेड़ा वाला टेक्सचर बनकर रेडी हो जाएगा, फिर बस आप छोटे छोटे पेड़े बना लें। लेकिन जब तक ये थोड़ा ठंडा होकर 10 मिनट्स, तब तक हम थोड़ा सा बादाम कट कर लेते हैं गार्निश के लिए, जो कि हम पेड़े के ऊपर गार्निश करेंगे। तो मैंने इसको अच्छे लंबे लंबे पीस में कट कर लिया है और अब हम छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। आपको मैं बताती हूँ कि किस तरीके से मैंने पेड़े बनाए हैं। तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे से बॉल लिए हैं, छोटी सी लोई ली है और उसको हम राउंड शेप में बॉल जैसे बना लेंगे और फिर इसको दोनों हाथ से ऐसे इक्वल बॉल बना के उंगली से प्रेस कर देंगे, और ये जहाँ से प्रेस किया वहाँ से ऐसे चाकू के मदद से या किसी भी चम्मच के मदद से आप ऐसे फ्लावर शेप दे देंगे और बीच में आप बादाम को गार्निश कर देंगे। तो ये देखिए एकदम मार्केट जैसी बर्फी, मतलब पेड़ा बनकर रेडी हो गया है, एकदम हलवाई स्टाइल, टेस्ट भी इसका एकदम हलवाई स्टाइल है। तो कैसी लगी आप लोग को ये मेरी रेसिपी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर ऐसे ही अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।